नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र की दी जानकारी। गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन, हजारों लोगों को कराया गया भोजन। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की समीक्षा, कार्य की धीमी गति पर जताई नाराजगी। भगवान पुस्तकालय में अवैध पार्किंग पर शहरवासियों ने जताया आक्रोश, कहा धरोहर को नहीं होने देंगे बर्बाद। और चांदन पुलिस ने ईंट भट्टे पर मारा छापा, हथियार और गोली बरामद, संचालक फरार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान गुरुवार से शुरू हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र जन जन तक पहुंचाने के लिए भागलपुर कुप्पाघाट स्थित महर्षि मेही आश्रम से हरिनंदन बाबा का आशीर्वाद लेकर अभियान की शुरुआत की गई। इसके पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, जिला प्रभारी रामानंद चौधरी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पत्र हरिनंदन बाबा को सौंपा एवं जनसंपर्क अभियान की जानकारी दी। इसके बाद जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बरारी स्थित सेवा बस्ती में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल की जानकारी लोगों को दी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत गुप्ता, जिला मंत्री मनीष दास, संजीव सिंह एवं इंदुभूषण झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र को पढ़कर सुनाया। मौके पर प्रणब दास, राजेश टंडन, देवव्रत घोष समेत भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरे कार्यकाल का जो एक वर्ष पूरा हुआ है, इस एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग घर घर संपर्क अभियान कर रहे हैं, हर घर संपर्क। और उस संपर्क अभियान के माध्यम से इस कार्यकाल में जो केंद्र सरकार ने जो काम किया है, उस काम को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर, इस देश के नागरिकों के नाम जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उनके संदेश को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। जो इस 6 वर्षों 7 वर्षों के कार्यकाल में जो देश में काम हुआ, देश को विश्व गुरु और समर्थ भारत बनाने के लिए जो भी प्रयास हुए, पहल हुए, उन सब बातों को, विषयों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी से जुड़े नेता अपने मुखिया की उपलब्धि और देश हित में किए गए कार्य का ब्यौरा जन जन तक पहुँचाने में जुट गए हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अरिजित शाश्वत चौबे ने सबसे पहले दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने घर घर जाकर जन जागरण अभियान का उद्देश्य बताया। भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अरिजित शाश्वत चौबे ने विजय मित्र मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास वाले संदेश को दोहराया। जनसंपर्क अभियान में चंदन कुमार ठाकुर, सुधीर भगत, पंकज सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जनसंपर्क अभियान का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर भाजपा नेता अरिजित शाश्वत चौबे से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने भागलपुर से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि बूढ़ानाथ मंदिर का यह परिसर है और जहां भाजपा के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के अरिजित शाश्वत चौबे हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, बताइए क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो एक वर्ष कार्य के पूरे हुए हैं, उसको जन जन तक ले जाना, घर घर तक ले जाना, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोग संपूर्ण भागलपुर में, जिस प्रकार से पूरे प्रांत में यह कार्य चल रहा है, संपूर्ण भागलपुर में हम लोगों ने आज यह प्रारंभ किया है। भागलपुर विधानसभा के इस विजय मित्रा मंडल में हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके संयोजन में यह कार्य प्रारंभ हुआ। बाबा बूढ़ानाथ का नाम लेकर के हम लोग जो है, जिस प्रकार से यशस्वी कदम हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया गया, एक वर्ष में बहुत सारे कार्य हुए हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि उनके कार्य को घर घर तक ले जाया जाए, इसलिए आज ये आगाज हुआ है और हम लोग घर घर के लिए निकल पड़े हैं।
तो सर आप चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर के क्या लगता है आपको, यह तैयारी उसके लिए? नहीं, एक वर्ष की जो उनकी उपलब्धि है उसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं और तैयारी हम लोगों की प्रतिदिन की रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव आएगा तब उसकी तैयारी हो जाएगी। हम लोग कोई चुनाव के लिए कार्य नहीं करते, हम लोग अपना कार्य निरंतर 5 वर्षों तक करते हैं और हमारा कार्य ये चल रहा है। तो आज जो है एक वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग इस कार्य को, उनका पत्र है आप देखिए, इसमें कहीं चुनाव की कोई बात नहीं है और यह पत्र हम लोग घर घर लेकर के जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का पत्र घर घर पहुंचाया जा रहा है, इसकी शुरुआत भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर से हो चुकी है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। इधर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत गुरुवार को अजगैबीनाथ मंदिर प्रांगण से की गई। महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा ने किया। पवन मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों में घूम घूम कर आमजनों के बीच प्रधानमंत्री की बात पहुंचाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवन मिश्रा ने कहा, और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ता हर एक जनता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाएंगे। मौके पर नगर अध्यक्ष नवीन कुमार, मनोज सिंघानिया, कुमार मंगलम, गौतम सिन्हा, चंदन कुमार, कन्हैया झा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है पूरे बिहार में, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी के द्वारा उसका विधिवत उद्घाटन हुआ और हम लोग पूरे विधानसभा में, हमारे जो विधानसभा के नेता हैं उनके द्वारा ये पूरे विधानसभा में उद्घाटन चल रहा है। हम सुल्तानगंज में बाबा अजगैबीनाथ मंदिर परिषद से बात कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता मंडल के सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग ये पत्रक, प्रधानमंत्री जी के पत्र का हर घर जनसंपर्क अभियान के तहत सबको देना है और पिछले 5 साल का और ये दूसरे काल में 1 साल का उपलब्धि प्रधानमंत्री जी का जो है वो हर घर हर लोगों को बताना है जनसंपर्क करके। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिवस पूरे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में गरीबों को भोजन कराया गया। नाथनगर प्रखंड हरिहरपुर में गरीबों को भोजन कराते वक्त चंद्रशेखर यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की खुशी गरीबों के साथ मनाई गई। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के लंबी उम्र की कामना की। हम लोग इस कोरोना संकट में गरीब की स्थिति को देखते हुए कोई केक नहीं काटेंगे, न कोई मोमबत्ती जलाएंगे। 73वां जन्मदिवस है इसलिए हम लोग 73,000 गरीबों को भोजन कराने का काम राष्ट्रीय जनता दल परिवार कराएंगे। इसी के तहत भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में आज ये भोजन कराने का काम किया जा रहा है। कम से कम 201 और अधिक से अधिक जितना हो जाए। लालू जी गरीबों के मसीहा है, आज गरीबों के मुंह में जो आवाज गया है ये लालू जी के कारण, आज जो भी कुछ बोल रहे हैं लालू जी के कारण। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शेर लालू जी जेल में है लेकिन उसका कोई कमी नहीं है, उनके हजारों शेर है जो कि हमारे बिहार में और पूरे विश्व में अभी आए हुए हैं और पूरा वर्चस्व करके हम लोग पूरे बिहार में 200 सीट लाएंगे और तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। वहीं राजद के राष्ट्राध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस को पार्टी कार्यकर्ताओं ने गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर बिहार के विभिन्न जिलों में राजद कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। वहीं भागलपुर, नाथनगर, जगदीशपुर, सबौर में जीप सदस्य सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने 7,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया। साथ ही लालू प्रसाद यादव के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, महिला जिलाध्यक्ष रिंकू राज, डॉक्टर संजय रजक, मोहम्मद रहमत उद्दीन, छत्रधारी मंडल, दयानंद यादव, गुड्डू यादव, जितेंद्र कुमार जीतू सहित कई राजद नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मदिवस के अवसर पर सिर्फ हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर रहे, पूरे बिहार में और देश दुनिया में उनको चाहने वाले उनके जन्मदिवस के अवसर पर लोगों को भोजन या प्रसाद या जो कहने कराया जा रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पर वो गरीबों, दलितों, शोषितों, अकलियतों, पिछड़ों के नेता के रूप में रहे हैं, उनके पुरोधा के रूप में रहे हैं, समाजवाद के पुजारी हैं और हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि आज उनके जन्मदिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शोषित और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की समीक्षा की।
इस दौरान डीएम ने जिले के सभी बाल देखरेख संस्थान में कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी अधिकारियों से ली। साथ ही डीएम ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं परवरिश योजना के धीमे कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। वहीं बाल संरक्षण इकाई की प्रभारी अर्चना कुमारी ने बताया कि बाल गृह में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित की गई है और जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर की धरोहर भगवान पुस्तकालय परिसर में अवैध गाड़ी पार्किंग का मामला तुल पकड़ने लगा है। पुस्तकालय परिसर में वाहनों की पार्किंग पर भागलपुर के लोग मुखर होने लगे हैं।
परमंडलीय पुस्तकालय में पिछले कई माह से वाहनों को अवैध रूप से लगवा कर पैसा वसूला जा रहा था। वहीं सिल्क टीवी ने 9 जून को भगवान पुस्तकालय की दयनीय स्थिति को प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद गुरुवार को कई लोगों ने भगवान पुस्तकालय के समृद्ध इतिहास और वर्तमान स्थिति पर अपनी बात रखी। अवैध पार्किंग को लेकर कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, उपाध्यक्ष विपुल सिंह, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अरजीत गुप्ता, जिला मंत्री मनीष कुमार दास और जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोगों ने कहा कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर भगवान पुस्तकालय परिसर में अवैध कब्जा हटाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों ने पूरे मामले पर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। भागलपुर का एकमात्र प्रमंडलीय पुस्तकालय भगवान पुस्तकालय आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है और यह पूरे शहर के लिए ही बड़ा ही दुख की बात है कि हम अपने धरोहर की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले समाचार में आनंद झा बल्लो का बयान आया था, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 50,000 रुपए पुस्तकालय की देख रेख के लिए आते हैं और वो पैसे कम पड़ते हैं, इसलिए वो धनाढ्य लोगों की गाड़ियां जो है वो पुस्तकालय में लगा रहे हैं। तो भगवान पुस्तकालय एक सार्वजनिक चीज है, यह पूरे शहर की धरोहर है। इस शहर का भगवान पुस्तकालय धरोहर है, उसमें काफ़ी अच्छी समृद्ध पुस्तकालय एक समय था, इधर रख रखाव के कारण या थोड़ा देख रेख के दृष्टि से थोड़ा उसमें कमी आई है। तो हम सभी लोग यह प्रयास करेंगे और कि वह समाज के सहयोग से वह पुस्तकालय चल रहा था तो उसको फिर से हम सभी लोग मिलकर उसको ठीक करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आपने ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है तो हम लोग भी उसको ध्यान में रखकर और एक बार उनके प्रबंधन से भी बातचीत करके और उसको कैसे और व्यवस्थित और बेहतर कर सकते हैं यह करने का काम। मैं कहूँगा ये तो गलत बात है, पार्किंग वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने घर को किराए में लगा के लेकिन अपनी गाड़ी सुन रहे हैं कि वहाँ पार्किंग में लगा रहे हैं, तो प्रशासन को निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि इस विषय को संज्ञान मिले। जैसा कि सिल्क टीवी के माध्यम से मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ लोग अवैध पार्किंग कर जगह का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन और माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह होगा कि इस तरह के काम को रोका जाए। देखिए, भगवान पुस्तकालय जो है वो भागलपुर की धरोहर है, वहाँ पर जो व्यवस्था होती थी तो वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठ करके अपने कई तरह के पुस्तक वगैरह को अध्ययन करते थे, लेकिन आज जिस परिस्थिति आ गई है तो ये तो हमारे ख्याल से ये ठीक नहीं है। किसी भी धार्मिक या फिर सामाजिक रूप से जो कार्यालय चल रहा है, जो हमारा धरोहर है, उसमें पार्किंग होना ये तो सही नहीं है। पार्किंग जो हो रही है हमारे भगवान पुस्तकालय में ये उचित नहीं है। ये भगवान पुस्तकालय हमारे भागलपुर शहर के लिए जो है एक धरोहर है। इस धरोहर की सुरक्षा के लिए सिर्फ कुछ व्यक्तियों के कंधे पे नहीं है, ये आम जनता के कंधे पे है। बांका चंदन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ईंट भट्टे में छापेमारी कर अवैध दोनाली बंदूक और 14 जिंदा कारतूस बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही ईंट भट्टा संचालक मौके से फरार हो गया। दरअसल चांदन थाना अध्यक्ष श्रवण कुमार को सिलजोरी पंचायत स्थित JMD ईंट भट्टे में अवैध हथियार रखने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि ईंट भट्टा संचालक नागेश्वर मंडल और मुंशी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रदेश प्रभारी ईशान सिन्हा गुरुवार को अपनी टीम के साथ मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां ईशान सिन्हा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल से मुलाकात कर अस्पताल में उपलब्ध बेड एवं आपातकाल के दौरान किस तरह स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। ईशान सिन्हा ने संगठन की ओर से डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एवं नर्स को सम्मानित करने का प्रस्ताव अधीक्षक के समक्ष रखा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्मा, महासचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी अमित कुमार समेत संगठन से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। कोरोना वायरस के संकट से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से ही दानवीर कर्ण की भूमि नाथनगर के समाजसेवी विजय यादव देश अनलॉक होने के बाद भी गरीबों एवं जरूरतमंदों की लगातार सेवा कर रहे हैं। गरीब एवं असहाय लोगों के फोन पर विजय यादव खुद राशन लेकर पहुंच जाते हैं। गुरुवार को नाथनगर के भुआलपुर और करेला गांव में 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण कराया गया।
विजय यादव ने कहा कि जनसेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली है। जी जो है अभी जो है ये अनलॉक वन चल रहा है और अनलॉक वन में मजदूरों का समस्या अभी तक कम नहीं हुआ है। मजदूर अभी भी भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनको काम धंधा अभी नहीं मिला है। जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको कोई भी अभी काम धंधा नहीं मिला। तो इसको लेकर मुझे भागलपुर से कॉल आया था। करीब 50 से 60 की संख्या में वहाँ पर मजदूर थे, उनको मैंने राशन दिया और उसके बाद जो वहाँ से नूरपुर पंचायत में दुधेला एक गांव है, करेला दुधेला, वहाँ पे मैं करीब जो है 200 लोगों को सूखा राशन वितरण किया। और भागलपुर के विभिन्न जगह पर जैसे कि ये आपका हो गया मुस्लिम स्कूल के पास करीब 50 से 60 लोगों को वितरण किया। करीब मैंने 350 लोगों को आज सूखा राशन मैंने वितरण। भागलपुर के लोगों को अब राजस्थानी मोमोज का स्वाद मिलेगा। गुरुवार को मसाकचक में मोमो नेशन कैफे का शुभारंभ हुआ जिसका उद्घाटन भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे एवं डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। संचालक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए रेस्टोरेंट में सरकारी गाइडलाइन का पूर्णता पालन किया जा रहा है। इस मौके पर मनोज बुधिया, राजेश टंडन, पुरुषोत्तम अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। अपना जो ये आउटलेट है ये मोमो नेशन कैफे के नाम से है और अपने इस आउटलेट में आपको मोमोज़ की स्पेशली वेराइटीज़ मिलेगी जिसमें 70 प्लस मोमोज़ की क्वालिटी है। स्पेशली देखिए भागलपुर मार्केट में आपको सिर्फ वेज मोमो, स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा नॉर्मल कोई भी जैसे कि चीज़ मोमो मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आपको जैसे मोमोज़ में आपको अफगानी, तंदूरी, पिज़्ज़ा मोमो स्पेशली, उसके अलावा आपको कॉकटेल मोमोज़ और इसके अलावा आपको चाइनीज़ में आपको बहुत सारे नूडल्स मिल जाएंगे, इटालियन मिल जाएंगे, इसके अलावा सैंडविच, बर्गर, टिक्का, चाप। चाप सबसे नया चीज़ है, लोग यहाँ के भागलपुर के लोगों को मालूम नहीं है चाप क्या होता है। हमारे पास हमारा कोशिश ये है कि भागलपुर में लोगों को कुछ नया देने का। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र की दी जानकारी। गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन, हजारों लोगों को कराया गया भोजन। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बाल संरक्षण इकाई के कार्यों की समीक्षा, कार्य की धीमी गति पर जताई नाराजगी। भगवान पुस्तकालय में अवैध पार्किंग पर शहरवासियों ने जताया आक्रोश, कहा धरोहर को नहीं होने देंगे बर्बाद। और चांदन पुलिस ने ईंट भट्टे पर मारा छापा, हथियार और गोली बरामद, संचालक फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।